वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के बारे में, जहां पे हम बताने वाले हैं ऐसे कौन से टॉप के 3 प्लेयर होने वाले हैं जो आरसीबी टीम अपनी टीम में शामिल करती हुई नजर आ सकती है। इन 3 में से अगर 2 प्लेयर भी आरसीबी की टीम में आ जाते हैं तो आरसीबी टीम कहीं ना कहीं मेगा ऑक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा खेल लेगी। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए आरसीबी टीम के रिटेंशन और रिलीज प्लेयर की लिस्ट पर हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर आप लोग को रिलीज होते हुए भी नजर आएंगे, बहुत बड़े बड़े प्लेयर आप लोगों को रिटेन होते हुए भी नजर आएंगे। यहां पे मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि आरसीबी टीम को अपने इंडियन जो कोर है उन्हें हमेशा अपनी टीम में रखना चाहिए। आरसीबी टीम हमेशा ये गलती करती है कि अपनी टीम में से इंडियन प्लेयर को बाहर कर देती है, लेकिन आईपीएल 2025 में अगर आरसीबी टीम अपनी इंडियन कोर को बरकरार रख पाती है तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइक विराट कोहली, यश दयाल हो गए, रजत पाटीदार, मोहम्मद सिराज, इन 4 को तो रिटेन करना बनता ही बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें आरसीबी टीम मेगा ऑप्शन में कौन कौन से ऐसे प्लेयर रहेगी जिनके पीछे टारगेट करती हुई नजर आ सकती है, तो वहां पर आप लोगों को सबसे पहले कैप्टनसी के ऑप्शन पे केएल राहुल देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरसीबी टीम के नए कैप्टन जो बन सकते हैं उसमें बहुत बड़ा नाम आप लोगों को केएल राहुल का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे केएल राहुल की रिसेंटली देखा जाए मीटिंग हुई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा जो एलएसजी के ओनर हैं उनके साथ, लेकिन एलएसजी के ओनर ने इंटरव्यू में बताया था कि अभी हमारे पास कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि कितने हमें प्लेयर रिटेन करने हैं, कितने रिलीज करने हैं, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि केएल राहुल आप लोगों को 110% रिटेन होते हुए नजर आएंगे, तो यानी कि वो आपको रिलीज होते हुए भी नजर आ सकते हैं, और रिलीज होंगे तो फिर आरसीबी वो टीम रहेगी जो केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी टीम को देखिए एक अच्छे खासे टॉप ऑर्डर के विकेट कीपर के बैट्समैन की जरूरत है जो उनके लिए कैप्टनसी भी कर दे। ठीक है, अब केएल राहुल मेरे हिसाब से देखिए पर्सनली मैं तो कई वीडियोस में कह चुका हूं कि मुझे एज कैप्टन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस देखा जाए उस दर्जे की नहीं रही है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे प्लेयर आप लोगों को कहीं ना कहीं रोहित शर्मा देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए रोहित शर्मा से पहले भी आरसीबी टीम ने ट्रेड की बहुत पहले बात कर ली थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अर्जेंटली अपडेट निकल के आए कि रोहित शर्मा आप लोगों को रिटेन होते हुए नजर आएंगे, और अगर रोहित शर्मा रिटेन होते तो जाहिर सी बात है सूर्य कुमार यादव या फिर आप लोगों को हार्दिक पांड्या में से कोई एक बाहर होता हुआ नजर आएगा, और इनमें से भी कोई ना कोई प्लेयर को आरसीबी टीम अपनी टीम में टारगेट कर सकती है। और रही बात एक अच्छे खासे फास्ट बॉलर की, तो आरसीबी टीम ट्रेंट बोल्ट के पीछे जा सकती है। जी हाँ, ट्रेंट बोल्ट होगा, मिचेल स्टार्क होगा, एक लेफ्ट आर्म पेसर के पीछे आरसीबी टीम जाएगी। आरसीबी टीम हमेशा अपनी टीम में एक देखा जाए ओवरसीज लेफ्ट आर्म पेसर रखती है, आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले आरसीबी टीम के पास रिसे टोपली थे, उससे पहले डेविड विली, फिर वेन पर्नेल हुआ करते थे, तो आप लोग समझ सकते हो कि आरसीबी टीम हमेशा लेफ्ट आर्म पेसर को अपनी टीम में तवज्जो देती है, तो आप लोग को ट्रेंट बोल्ट या फिर मिचेल स्टार्क में से कोई एक प्लेयर आरसीबी की टीम में जोड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये टॉप के 3 ऐसे टारगेट प्लेयर रहेंगे जो देखा जाए आरसीबी टीम अपनी टीम में शामिल कर सकती है। 3 में से कोई 2 प्लेयर भी आरसीबी की टीम में आ जाते हैं तो आरसीबी टीम बहुत ज्यादा सॉलिड बनने वाली है। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर हैं जो आरसीबी टीम में आ सकते हैं, कमेंट में जरूर बताना।